एक बार सुशांत सिंह राजपूत के किसी फैन ने उन्हें सोशल मीडिया पे मैसेज करते हुए लिखा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं केरला के बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ खाने की चीजें डोनेट करना चाहता हूं, आप बताइए मैं क्या करूं। तो सुशांत सिंह राजपूत ने 1 करोड़ रुपया डोनेट करने के बाद उस फैन को रिप्लाई किया कि तुम जो चाहते थे वो मैंने कर दिया। इतना ही नहीं, उनकी मृत्यु के बाद केरला के चीफ मिनिस्टर ने एक और खुलासा किया और कहा कि 1.25 करोड़ रुपया सुशांत सिंह राजपूत ने रिलीफ फंड में और भी डोनेट किया था। जहां हम 1 और 100 रुपया भी डोनेट करना होता है तो सोशल मीडिया पे हो हल्ला मचाते हैं, वहीं उस बंदे ने 1.25 करोड़ रुपया डोनेट करने के बाद भी किसी को बताया तक नहीं और यह खबर उनकी मृत्यु के बाद बाहर आई। सुशांत सिंह राजपूत, आपकी दरिया दिली के लिए हम आपको हमेशा याद रखेंगे। अगर मुझे फिल्मों में काम ना मिला तो मैं टीवी सीरियल्स में काम करूंगा। अगर मुझे टीवी सीरियल्स में काम ना मिला तो मैं थिएटर करूंगा। पहले भी मैं 250 रुपये में थिएटर के शो किया करता था और मैं उसमें भी खुश था क्योंकि मुझे एक्टिंग पसंद थी और इस वजह से असफल होने का डर मुझ पे नहीं है। ये कहना था सुशांत सिंह राजपूत का। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा नौजवान जिसे असफल होने का डर था ही नहीं, जिसके आगे सारी जिंदगी पड़ी थी, वह अचानक से जिंदगी से हार कैसे गया? कल जो भी कुछ हुआ इस पे अब भी यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रेस्ट इन पीस सुशांत सिंह राजपूत।